जोहार, नमस्कार। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। मारवाड़ी महिला मंच के द्वारा तुलसी भवन में 4, 5 और 6 तारीख तक महिला लोग के लिए अनेक प्रकार की बुटीक, साड़ी एवं अनेक वस्त्र का मेला लग गया है, जिसमें महिला के द्वारा तैयार किया गया माल जो शहर एवं ग्रामीण महिला को टारगेट करके किया गया है, यह महिला लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। मैं रंजन को सलाह देना अगरवाल, आप सभी मैं हमारी मुख्य अतिथि कर्नल श्रीमती संगीता सिन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देती हूँ कि आज वो इतने व्यस्ततम समय में भी आज मेरे एक बार फोन करते ही उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। मेला का आयोजन किया कंज्यूमर्स, इसमें अपना योगदान दिया और ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 25 से 27 वर्षों से ये चीज चला आ रहा है और आप अपने इस परिवार को बड़ा करते जा रहे हैं, लोगों को बढ़ावा देते जा रहे हैं, उत्साहित करते जा रहे हैं और हर एक महिला को उनको ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वो अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके यहाँ आकर। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये बात जितना सोशल सर्विस आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपको बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं। अभी दुनिया में सबसे कठिन काम है, आप चांद में जा सकते हैं, मंगल ग्रह में जा सकते हैं, लेकिन किसी के पॉकेट से पैसा निकालना अभी के समय में बहुत मुश्किल काम है। यह काम अगर अब किसी से सीखना है तो वह महिला से सीखिए जो अपने नॉलेज में, अपने कॉन्फिडेंस में बिजनेस स्टार्ट करती है और उसको सक्सेस करके दूसरा के लिए आईना दिखाती है। अगर आपको इंटरनेशनल प्लेयर बनना है तो उसका प्रैक्टिस किस प्रकार किया जा सकता है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इंटरनेशनल मेडल के लिए आपको लोकल प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, तो ये मारवाड़ी महिला मंच के द्वारा या 22 साल से यह प्रयोग किया जा रहा है कि छोटे छोटे कम पूंजी वाली महिला को कैसे करके हम उनको अपने पैर में खड़ा कर सकते हैं। कोई महिला को अगर आप 4 लाख रुपया दे के उसको बाजार में छोड़िएगा कि उससे आप रिटर्न लेकर आइए, असंभव है। या जैसा मंच वह महिला के लिए एक बहुत अच्छा लैब का काम करेगा जिसमें कम पूंजी में वह मार्केट को समझ सकती है, कस्टमर का नीड को समझ सकती है, कस्टमर का क्या परचेजिंग पावर है उसको समझ सकती है और यहाँ से यह प्रैक्टिकल उनको जो बड़ा बिजनेस करेगी उसके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। हमारे साथ मारवाड़ी महिला की वह संगठन है, उनके साथ जो चीफ गेस्ट है, सभी से बात करते हैं कि या आप लोग इंसेंटिव या मेला आप लोग कैसे करके चला रहे हैं। मैडम, सबसे पहले आप बताइए, गेस्ट है यहाँ पर, क्या कैसे करके महिला चला लेती है इतनी अच्छी बिजनेस को? बिजनेस करने के लिए पुरुष को बहुत मेहनत करना पड़ता है, महिला उसको सक्सेस करने मेहनत करना पड़ता है। देखिए, महिलाओं के लिए ये दुगुना काम होता है देखा जाए तो, क्योंकि उन्हें घर भी संभालना होता है और बाहर का अगर अपने हुनर का प्रदर्शन करना है तो उसके लिए भी उन्हें समय निकालना है। लेकिन महिला को भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है मल्टीटास्किंग, यानी कि वो कई सारे काम को बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही कुशलता के साथ और वो हर क्षेत्र में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, भागीदारी को पूरी तरह निभा सकती हैं। तो ये शायद भगवान की ये देन है और जिस महिला में वो जोश है, उमंग है और उत्साह है, आप उनको पीछे कर ही नहीं सकते, किसी हालत में पीछे नहीं कर सकते। जहाँ तक पूंजी चलाने की बात आती है तो आप किसी महिला को घर में भी अगर आप थोड़ा सा रकम दीजिए और बोलिए कि आपको ये घर इसी में चलाना है, एक कुशल गृहिणी उसी में उतने सीमित दायरे में उतनी सीमित पूंजी के साथ भी उसमें भी थोड़ा सा कुछ बचा के और वो घर चला लेगी। मेरे ख्याल से आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप महिलाओं को कभी भी पुरुष बहुत दिलेर होते हैं, ये मैं मानती हूँ बात, वो बहुत
खुल के खर्च करते हैं, बट महिलाएं हमेशा थोड़ा सा आगे भविष्य का भी सोच के थोड़ा सा पूंजी रखती हैं कि बच्चे को कभी कोई काम आ जाए, घर की कोई ज़रूरत हो जाए। तो ये ऐसा शायद बुद्धि भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है, ऐसी सोचने की शक्ति दी है कि आपको उनके पास हमेशा, बोलते हैं ना, घर घर की लक्ष्मी कौन होती है, महिला होती है उस घर की लक्ष्मी, तो वो लक्ष्मी का हमेशा उनके पास रहता है। तो जब वो इसी अपने दिमाग का इसमें जब शामिल करती हैं, अपने हुनर को जब वो लगाती हैं, तो ये और भी दोगुना हो जाता है। मैडम एक चीज़ बताइए, आपके साथ कितने महिला लोग जुड़े हुए हैं पूरा संगठन में, झारखंड बिहार से? झारखंड बिहार से ऑल इंडिया, क्या मुझे बता दो, वही तो ये हमारा जो संस्था, हमारी जो संस्था है ये ऑल इंडिया स्तर पर है। पहले हमारा राष्ट्र है तो 22 राज्य स्टेट्स में हमारी शाखाएं हैं, सॉरी। उसके बाद आता है हमारा प्रदेश स्तर पर, उसके बाद आता है हमारा ये शाखा स्तर पर। तो झारखंड में हमारी 55 ब्रांचेज है। मैडम कितने महिलाओं अभी तक आप लोग आत्मनिर्भर कर दिए, अपने पैर में खड़ा हो गए, क्योंकि 22 साल से आप लोग मेला लगाते हैं? देखिए मैं पूरी गिनती तो नहीं बता सकूंगी, लेकिन जब से आज 25 साल हो गए, यहाँ से निकलकर महिलाएं लघु उद्योग से बृहत उद्योग चालू कर रही हैं। लगभग 2000 से अधिक महिलाओं को हमने स्वावलंबी बनाया है। मैडम तुलसी भवन का जो कैंपस है बहुत छोटा होते जा रहा है, जगह नहीं है, और भी बहुत नहीं, कैंपस तो वही है। आप लोग कब बड़ा प्लेस में लगाइएगा, जिस प्रकार कैंपस लगता है, हम लोगों को सरकार यदि प्रोवाइड करती है, या हम लोगों को तुलसी भवन का प्रांगण और थोड़ा बड़ा ये लोग बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग इसमें 100 स्टॉल लगा सकते हैं। हम लोग के पास 100 स्टॉल की रिक्वायरमेंट है, अभी तो हमारे 51 स्टॉल ही लगा है, अभी भी हम लोग 20-30 बाहर खड़े हैं लोग स्टॉल के लिए। मैडम इस मेला में क्या क्या स्पेशलिस्ट है लेडीज के लिए, तो बताइए। धन्यवाद भैया, हमारा ये जो मेला 25 साल से जो लगते आ रहा कंज्यूमर्स मेला, यहाँ पे बहुत सारे होममेड है, हाथ से बनाए हुए चीज़ हैं, और जो महिलाएं घर से खजला पापड़ मंगोड़ी सब बनाती वो आइटम्स है। और बंदरवाल आज दिवाली का कार्यक्रम, हमारा जो कमिंग दिवाली हमारा त्यौहार आने वाला है, उसमें भी महिलाएं बंदरवाल है, घर का सजाने के लिए शोपीस वगैरह, इस तरह से अनेकों आइटम हमारे इस एक ही छत के नीचे कंज्यूमर्स मेले में लोग आ करके शॉपिंग को कर लेते हैं, और अपनी ज़रूरतों की हर वो चीज़ें एक ही छत पर मिल जाती, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्लेटफॉर्म हमारा दे रहा मारवाड़ी मेला मंच। धन्यवाद भैया। मेला कहाँ पर लगा, कितने दिन से लगा और क्या टाइमिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट की क्या? ये मेला हम लोग का तुलसी बिष्टुपुर के तुलसी भवन में लगता है, ये 4-5-6 ये 3 दिवसीय हम लोग का मेला है, और यह स्टॉल के हिसाब से अलग अलग चार्जेज है, क्योंकि हमें भी हॉल का चार्ज पे करना होता है, उस हिसाब से जिस हिसाब से जो स्टॉल निकला उस हिसाब से हम लोग पे रखे हुए हैं। हम लोग को ये मेला लगा के बहुत खुशी मिलती है, हम लोग अपना इंजॉय भी करते हैं, महिला भी सशक्त होती हैं, बहुत खुश होकर सबको परचेजिंग करती है, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हो गया, चलो हाँ। जमशेदपुर मारवाड़ी मंच इस मेले को 25-30 साल से लगाई जा रही है, और सबने बहुत सफलतापूर्वक अपने स्टॉल्स लगाया है, और इस बार भी मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ कि वे अपने जिस मकसद से यहाँ पर आई हैं उन्हें अपने मकसद में सफलता मिले, दिनों दिन उन्नति करें और बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म ऊंचाई तक जाए। धन्यवाद। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।